हैंडवर्क विथ नाज में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में कुछ नया डिज़ाइन लेकर के आई हूँ, तो आप लोगों को ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पीला कलर का ऊन है, मैं इसी से एक पर्दे हलवाताऊंगी नए डिज़ाइन में। और ये 5 नंबर की क्रोस है, मैं इसी से बनाऊंगी, बना करके बताऊंगी आपको। पहले हम पट्टी बनाना बताएंगे थोड़ा सा, और उसके बाद फिर पर्दे हल्का बताएंगे। तो पट्टी में हम पहले चैन बना रहे हैं, सिकड़ी जिसको बोला जाता है वो 20 सिकड़ी लेंगे, उसके बाद उसमें लॉन्ग बनाएंगे। ये एक लॉन्ग हो गया, 1 2 3 4 5 6 लॉन्ग बना लिए, उसका सिकड़ी ले रहे हैं, 4 सिकड़ी लेंगे। 4 सिकड़ी लेने के बाद फिर लॉन्ग वहाँ पे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 लॉन्ग हो गया। फिर उसको हम घुमाएंगे, 6 इधर से हुआ 6 उधर से हुआ, 3 सिकड़ी बीच में हुआ, 3 दीजिए या 4 दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे 6 घर बनाएंगे यहाँ पे। ये 6 लॉन्ग हो गया। अब उसके बाद फिर हम 2 सिकड़ी लेंगे, उसके बाद फिर बीच में लॉन्ग देंगे, लॉन्ग 8 घर देंगे। ये देखिए 8 हो गया। अब उसके बाद फिर हम 2 सिकड़ी दे करके फिर इधर 6 लॉन्ग बनाएंगे। ये 2 हुआ 3 4 5 6 हो गया। और फिर सिकड़ी दे करके फिर घुमाएंगे उसको, फिर 1 2 3 4 ये देखिए अब यहाँ पे 1 घर बढ़ता जाएगा। 6 की जगह पे यहाँ पे 7 दिया जाएगा, 7। फिर यहाँ पे 2 सिकड़ी देंगे, उसके बाद फिर लॉन्ग बीच वाले खाना में बनाना है, वहाँ पे घटता जाएगा लॉन्ग, सब घर में दिया जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये पट्टी बनेगा। ये देखिए एक डिज़ाइन तैयार हो गया। अब फिर हम इसी तरह दूसरा डिज़ाइन तैयार करेंगे, घटता जाएगा, घट करके 1 पे आकर के रुकेगा, फिर वहाँ पे 1 लॉन्ग बनेगा, फिर यहाँ पे उसी तरह 3 लॉन्ग देना है। ये देखिए 3 लॉन्ग देने के बाद यहाँ पे सिकड़ी देंगे, 4 सिकड़ी देने के बाद यहाँ पे फिर 8 लॉन्ग देना है। ये देखिए 8 लॉन्ग दे रहे हैं, 8 लॉन्ग देने के बाद फिर 4 सिकड़ी दिए हैं, 4 सिकड़ी देने के बाद फिर 3 लॉन्ग दिए हैं। ये 2 लॉन्ग हो गया, फिर 3 लॉन्ग, ये देखें, फिर सिकड़ी दे करके यहाँ पे लॉन्ग बनाएंगे,
यहाँ पे फिर एक बढ़ता जाएगा, तीन की जगह पे फिर चार बढ़ेगा, फिर वहाँ पे बीच वाले घर में फिर हर घर में देना है, एक एक घटता जाएगा। इसी तरह आप लोगों को भी बनाना है, देखिए इसी तरह बनेगा। ये देखिए दूसरा भी घर तैयार हो गया, इसी तरह पूरे पट्टी तैयार करना है। जिस तरह से ये फूल बना है उसी तरह पूरे पट्टी में रहेगा। तो हम आपको इतना ही पट्टी बना करके बताएंगे कि किस तरह से बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप समझ भी गए होंगे कि किस तरह से बनाया जाता है पट्टी। अब हम आपको परदेहल बनाने का बताएंगे। इसमें तो चलिए अब हम परदेहल बनाना बताएंगे कि किस तरह से इसमें बनाया जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम सिकड़ी लिए हैं, दो सिकड़ी, उसके बाद यहाँ पे हम लौंग बनाएंगे, फिर दो सिकड़ी लेंगे फिर लौंग बनाएंगे, दो सिकड़ी लेंगे फिर लौंग बनाएंगे, एक लौंग दो सिकड़ी, एक लौंग दो सिकड़ी, पूरे पट्टी में बनाना है। इसी तरह पूरे पट्टी में बनेगा, पहले एक लौंग दो सिकड़ी करके। ये देखिए इसी तरह आपको भी बनाना है, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए हम इतना पट्टी में हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम अंगूर की तरह बनाएंगे, ये हम छः लेंगे लौंग, उसके बाद अंगूर बनाएंगे, फिर एक सिकड़ी लेंगे फिर दूसरे घर में अंगूर बनाएंगे, फिर दो सिकड़ी लेंगे फिर अंगूर बनाएंगे उसमें। ये देखिए इसी तरह से बनेगा ये इसमें डिज़ाइन। तो ऐसा हम पांच लेंगे, अभी चार बना है, फिर हम पांचवा शुरू किए हैं, पांचवा बन गया है। ये देखिए अब उसके बाद फिर दो सिकड़ी लेंगे, फिर यहाँ पे एक लौंग बनाएंगे। ये देखिए फिर यहाँ पे हम अंगूर बनाएंगे, छह लौंग लेकर के अंगूर बनाए हैं, फिर यहाँ पे दो सिकड़ी लेकर के फिर अंगूर बनाएंगे। इसी तरह पांच पांच घर बनेगा अंगूर का, एक घर बनेगा एक लौंग का। इसी तरह पूरे पट्टी में बनाना है पहले। ये देखिए ये पांचवा भी पूरने वाला है। ये देखिए पांच हो गया, अब यहाँ पे फिर घटेगा, यहाँ पे अंगूर चार ठू बनेगा, चार अंगूर बनेगा यहाँ पे, उसी तरह जिस तरह से बना है उसी तरह बनेगा।
ये चार अंगूर बन गया है। देखिए यहाँ पे इसी तरह डिज़ाइन मतलब घटता जाएगा यहाँ पे, और ये जो लौंग दिए हैं एक लौंग, अब यहाँ पे दो लौंग देंगे, यहाँ पे बढ़ता जाएगा लौंग, एक लौंग दो सिकड़ी, एक लौंग दो सिकड़ी करके दिया जाएगा, और उसके बाद फिर वहाँ पे अंगूर बनाएंगे। देखिए इसी तरह बनाना है, एक घटता जाएगा, एक पे जा कर के फिर दूसरा घर तैयार होगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है डिज़ाइन देखने में। तो इसी तरह एक फूल तैयार करके फिर तीन कतली आपको काटना है, इसमें तीन कतली काटने के बाद फिर एक एक करके तैयार करना है। इसमें देखिए घुंघरू कैसा लगा हुआ है, लड़ी कैसा लगा हुआ है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में। अंगूर लगता है एकदम फूला फूला की तरह, ये देखिए। तो ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत लेटेस्ट डिज़ाइन लाती रहती हूँ। और हाँ, अगर आपको कोई डिज़ाइन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, तो आपको वहाँ से देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक आना पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के।